हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रियलमी के C25Y डिवाइस के बारे में। एंड गाइस, आज का अपना टॉपिक होने वाला है ऐप एंड यानी कि डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे गाइस। जैसे कि आपके जो डिवाइस के जो ऐप्स रहते हैं उनकी आप जो है नोटिफिकेशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तब उसको जो है किस प्रकार से ऑन ऑफ कर पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर, मैं आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, बात करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं इस फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको देखिएगा इस सेटिंग को ऑन कर लेना अपने डिवाइस की। एंड यहाँ पे आपको देखिएगा इस ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे आपको देखिए सेकंड नंबर पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको देखिए डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंट्रोल विच ऐप एंड डिवाइस कैन रीड नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस टाइम पे आपको देखिए आपकी जो डिवाइस के जो ऐप्स रहते हैं गाइस जो कि आपके डिवाइस में वर्क करते हैं, तो अगर जैसे कि मेरे फ़ोन में देखिए कुछ इस प्रकार से दो तीन नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग ऑन है। आपको सेटिंग इस प्रकार से ऑफ कर देना है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहेगा इस 5-6 आपके ऐप्स हैं डिवाइस के, सिंपली आप इसकी इस प्रकार से नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में अगर नोटिफिकेशन ऑफ है तो इस प्रकार से ऑन कर सकते हैं। काफ़ी मस्त ट्रिक थी गाइस, सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।